और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमाने लगी है। मध्य प्रदेश में हार का चीखा कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा है कि कोई भी चीप की चीज हैक हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि वो विधायकों से बातचीत के बाद ईवीएम पर कोई जवाब देंगे। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा चिप वाली कोई भी मशीन हैक की जा सकती है और ऐसे में ईवीएम पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक बार फिर से नतीजे जब उनके पक्ष में नहीं आए तो ठीकरा फोड़ दिया ईवीएम पर, और इस बार कहा कि चिप की अगर कोई भी चीज हो तो वो यहाँ पर पलटी जा सकती है और उसके लिए ईवीएम पर ठीकरा सीधा सीधा फोड़ दिया है। ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह ने जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है वो आपको हम बता रहे हैं। चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक प्रश्न है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। माननीय चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या आप कृपा करके हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? ये सवाल पूछा है दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के ऊपर। और इधर कमलनाथ ने ईवीएम को लेकर के कोई सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद ही इस पर जवाब देंगे। ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है, आपको भी लगता है कि? देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है, आपको भी लगता है कि? देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने पर गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। दिग्विजय और कमलनाथ के सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो तेलंगाना कांग्रेस कैसे जीत जाती, ये भी सवाल पूछा गिरिराज सिंह ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जैसे ही तीनों राज्यों में जो हिंदी वर्ल्ड के राज्य है उसमें कांग्रेस की करारी आ रही है, उन्होंने ईवीएम करोना दिया। दिग्विजय सिंह ने विपक्ष के दूसरे नेता, वो कह रहे हैं कि ईवीएम की जगह अब जो बैलेट पेपर होता है उस पर चुनाव करना चाहिए, तब हकीकत सामने आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिग्विजय बाबू कौन से ईवीएम की बात कर रहे हैं। वो कपड़ा फाड़ वाला ईवीएम जो चुनाव में मध्य प्रदेश में जब जाहिर हुआ था, पहले उस ईवीएम को देख लें। जब ये जीत जाते हैं तेलंगाना में तो कोई भी हम नहीं, जब हिमाचल में जीत जाते हैं तो कोई भी हम नहीं, पंजाब में जीत जाते हैं तो कोई भी हम नहीं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। अरे भाई, जनता ने नकार दिया, उसे स्वीकारो, लोकतंत्र है। मीठा मीठा गट गट, अतीता तीता थू थू, वही कहानी है ईवीएम। ईवीएम जब जीत जाते हैं तो ठीक है, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा।